press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन और भारतीय सैनिकों की शहादत को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी है। विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ ही लगातार चल रहे प्रदर्शन के बाद आज अलवर जिला फोटोग्राफर्स यूनियन ने भी शहीद स्मारक पहुंचकर मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही शहीद स्मारक से नगली सर्किल तक जुलूस भी निकाला और जमकर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर संरक्षक रूपराम यादव, हंसराज गांधी, जुगल गांधी, अध्यक्ष सुनील रमेजा, सचिव बॉबी नरूला सहित विष्णु कुमावत, राजेश सैन, विष्णु सोमवंशी, विपिन महेश, हितेश मन्नू, मोहित शैलेंद्र भाटी सहित काफी संख्या में फोटोग्राफर शामिल हुए। ये जो पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनके उपलक्ष्य में एक श्रद्धांजलि बाबू श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था अलवर जिला वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा, जिनमें सभी फोटोग्राफरों ने आके अपना योगदान दिया और हम लोग देश के प्रति जो शहीद हुए हैं जवान उनके घर वाले सबको देश और फोटोग्राफर यूनियन की तरफ से हम सहयोग की उम्मीद रखते हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं पाकिस्तान वालों को? पाकिस्तान वालों को ये संदेश देना चाहें जीवन में कभी भी दोबारा इस तरह कोई हरकत नहीं होगी और चाहते हैं कि देशवासी आक्रोश में है और जवान इसका बदला जरूर लेंगे। क्या नाम है? सुनील रामेजा। कौन सी यूनियन है? अलवर जिला वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा है, फोटोग्राफर वेलफेयर सोसाइटी। जय भारत। आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट की घड़ी से निपट रहा है। पुलवामा में मारे गए हमारे शहीद भाइयों को, बेकसूर सैनिकों को जो आतंकवादियों ने हमला किया है, वो उसकी हम फोटोग्राफर एसोसिएशन अलवर जिला फोटोग्राफर बहुत कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और आज हम यहाँ पर शहीद स्मारक कंपनी बाग में एकत्रित होकर उनके खिलाफ मोर्चा निकाला, हमने सड़क पैदल मार्च किया और हम आशा करते हैं मोदी सरकार से कि बहुत जल्दी कड़ी कार्रवाई उन आतंकवादियों के खिलाफ की जाए, जिससे हमारे बेकसूर सैनिक जो बेचारे एक सैनिक पर करीब 50 लाख रुपये खर्च होता है जब वो सैनिक बनता है, आप ये देखो देश का कितना बड़ा नुकसान, फिर उनकी माताएँ बहनें परिवार बेचारे आज किस कड़ी से गुजर रहे होंगे। हम आज चैन की नींद सोते हैं तो एक सैनिक के पीछे सोते हैं। हम अपने माँ बाप से परिवार से जाके रात को मिल सकते हैं, वो लोग 5-5 साल 2-2 साल उनको छुट्टी नहीं मिलती। आज हम अगर एक बार सोचे कि एक सैनिक कैसे तैयार होता है तो वास्तविकता में एक बहुत गहरी चोट पहुँचाई आतंकवादियों ने हिंदुस्तान को, और हम सारे फोटोग्राफर मिलकर कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.